Hello.
मैं उनको मैप बता दूँगी. तुम यहाँ जाओ ना. कम कम लड़कियाँ क्यों मेरे करीब आने से डरती हैं? सर क्या कहना चाहेंगे? शुभ मल्होत्रा फाउंडेशन ने जो आज कैंपिंग शुभ आस्था तो आज जो कैंपिंग या क्या क्या आपने ट्रीटमेंट कैसा लगा? देखिए ये तो एक बहुत ही नेक काम है.
पुण्य का काम है, सवाब का काम है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। ये जो कैंप लगाया है शुभ मल्होत्रा जी ने शुभ आस्था फाउंडेशन के नाम से, ये जो हमारे मेंबर्स हैं सिंटा के, उनके लिए है, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। एक कहावत है कि जान है तो जहान है, और गालिब साहब ने एक शेर लिखा था कि तंदुरुस्ती क्या है गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अगर तंदुरुस्ती ही नहीं है तो आप लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का क्या करेंगे। तो ये एक निशुल्क सर्विस है, ये इसमें किसी से पैसे नहीं लिए जा रहे, ये सिर्फ जो है ये सेवा भाव के लिए शुभ जी ने किया है। मैं तहे दिल से इनका मशहूर ममनून व शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया है हमारे मेंबर्स के लिए। बहुत से हमारे ऐसे मेंबर्स हैं बेचारे जो माली हालात जिनके बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी यहाँ से। जो बाकायदा चेकअप्स हो रहे हैं, पता चलेगा कि भाई भगवान ना करे खुदा ना खास्ता कहाँ गड़बड़ है, और अगर गड़बड़ है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बहुत जी जी फरमाइए। सर आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया, कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट? हाँ, मुझे बताया गया है कि मुझे क्या क्या करना है, अब मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा। कहाँ तक कर पाऊँगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। नियत होनी चाहिए, नियत में हरकत है और हरकत में बरकत। तो आप क्या कहना चाहेंगे यार, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आए सभी, तो कितना आप एक्साइटेड हैं, आपने पहला मतलब फर्स्ट टाइम शायद कैंपिंग किया? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ, इन्होंने बड़े आर्टिस्टों के लिए एक्साइटेड होने के लिए इन्होंने ये कैंप नहीं लगाया है, इन्होंने सेवा भाव से लगाया है, इन्होंने एक निस्वार्थ भाव से लगाया है, और मैं इनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। अब ये जो कहना चाहें कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजा जी, सही कहा आपने बिल्कुल कि ये सिंटा में आर्टिस्ट है उस वजह से नहीं, पर जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे सिंटा के मेंबर्स वैसे भी है ऐसे नए आर्टिस्ट के जिन्हें ये बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। मतलब क्या है कि ये जो कैंप है ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो हमने की है यहाँ पर, जैसे स्किन है, डाइट है, बॉडी कंपोजिशन है, ये सब का वैल्यू काफ़ी अच्छा दिया है। तो ये माली हालत वाले जैसे इन्होंने कहा या दूसरे सब भी है, सबके लिए है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सिंटा मुझे ये मौका देता है, एंड मैं हमेशा हमेशा सिंटा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर। इससे पहले भी ये मेरा पहला नहीं है, इससे पहले हमने किया था अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, जो कि तब पंकज जी सेक्रेटरी थे, तो तब भी हमारा बहुत अच्छा टर्नआउट था, और आज भी जो मैंने देखा है कि इस कैंप के लिए बहुत अच्छा हमारा ऑलमोस्ट 200 का टर्नआउट है। सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी, और यू नो ये है कि सोशली बहुत अच्छा, बहुत ग्रैटिफाइंग लगता है कि हम सब इतनी मसरूफियत होती है हमारी इस इंडस्ट्री, स्ट्रेस लेवल हाई है, ये है, तो ऐसे एटलीस्ट मौका मिलता है कि वो आके अपने आप को वक्त दे, और अपनी हेल्थ कम्स फर्स्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है, जैसे उन्होंने कहा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो बड़े स्टार्स हैं, जो रोशन चेहरे हैं, जो भारी जेबों के बंदे हैं, उनके तो घर लोग आ जाते हैं, एक्यूपमेंट ले आते हैं, उनकी क्लाइंटेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बेचारे जो हमारे मेंबरान हैं, जो जिनके माली हालात अच्छे नहीं हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, और सबने आना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तहे दिल से इस बात की कदर करता हूँ। बड़े शारदाया नाएँ इन्होंने उनके लिए रखा भी नहीं है, इन्होंने उन्हीं के लिए रखा है जो बेचारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। जी 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 जी, बहुत सही।
बहुत सही कहा रजा जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप आए, रियली बहुत बहुत अच्छा लगा, और हमें और हमारी टीम को ये प्रोत्साहन है जब इनके जैसे कलाकार आके यहाँ खड़े होते हैं और हमें प्रोत्साहन देते हैं तो मन करता है, दिस इज़ मोटिवेशन फॉर अस कि और हम करते जाएं। तो यही जज्बा हम बरकरार रखना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे साथ रहें और शुभ आस्था फाउंडेशन को हम आपके साथ आगे पूरा हिंदुस्तान ले जाएंगे। शुभ आस्था फाउंडेशन ने जो एक एक सेवा की मशाल जलाई है, खुदा करे, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, वो मशाल जो है हमेशा जलती रहे, और उस मशाल के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर। ये एक नेक काम है, ये एक नेक जज्बा है, ये नेक नियति है, और हम इस नेक काम में आपके साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट मैसेज चाहिए, मतलब आप एक आर्टिस्ट होने के सेलिब्रिटी होने का क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, क्या कहना चाहेंगे सेलिब्रिटी जो आर्टिस्ट है जिस नेक काम में आगे आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? देखिए वो आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई देखिए जो बिज़ी आर्टिस्ट है उसके लिए आना कई बार मुश्किल हो जाता है। बस ये है कि या मैं उनसे यही कहूँगा कि ये आपकी अपनी एसोसिएशन है, ये सब आपके कलीग्स हैं, ये आपके को मेंबर्स हैं, बस कभी फुर्सत मिले तो यहाँ आइए, अपने दिल की बात कीजिए, कहिए कि हम आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बाकायदगी से हम इंतज़ाम करेंगे और हम इंटरेक्शन रख सकते हैं उनके साथ। और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बता सकते हैं, और बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं बैठ के। तो मैं यही कहूँगा कि आइए, ये आपका, ये आपकी अपनी एसोसिएशन है, ये हम सब आपके हैं और आप भी हमारे हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि शुभ आस्था फाउंडेशन का, हम सब पूरी टीम का ये ख्वाब है कि हर इंसान, जैसे आधार कार्ड है, हर इंसान के पास ब्लड ग्रुप का कार्ड होना चाहिए। वो क्या है और क्या, क्योंकि ये आपको पता नहीं, आप घर से निकलते हो तो आप कहाँ हो, कब क्या हो सकता है। तो चाहे सिंटा हो, चाहे बस्तियां हो, हम पूरे हिंदुस्तान में ये ले जाना चाहते हैं, बस्ती बस्ती में, सिर्फ ये नहीं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट या इनके साथ ही, बट हम गरीब, हमने वहाँ भी कैंप्स किए हैं और हम हर किसी को ये कार्ड अपने साथ, जैसे आप आधार कार्ड रखोगे, ये कार्ड मैं कहूँगी कि एज अ फाउंडर कि ये कार्ड आप ज़रूर अपने पॉकेट में रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये होना ज़रूरी है। ये मैं इवन मोदी तक उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड होना चाहिए हर किसी के पास। अब किसको? नहीं, मैं
देखिए आप डायरेक्टर हैं ना मैगजीन इसका, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, जब आप कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो वो एक इनर फीलिंग होती है, आपको अच्छा ही लगता है। तो ये एक सपना था जो हमने कुछ साल पहले देखा था, और हम चाहते थे कि कुछ ऐसा करें जो एक आम इंसान से लेके, भले वो एक कोई भी एक सेलिब्रिटी हो या हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो,
कि वो जैसे एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स होती हैं जो एक हर किसी के कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रोज़ की ज़िंदगी में हम ध्यान नहीं दे पाते, जैसे कि हम सबको शायद कितने लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है या उनके आसपास के लोगों को नहीं पता, तो कभी कुछ खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ कब कुछ हादसा हो जाए, कोई जा रहा हो और कुछ हो जाए, इसलिए हम चाहते थे कि आज हम एक ऐसा सेटअप करें जहाँ जितने भी हमारे सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, हमने इन सब का अपना एक फाउंडेशन बनाई है और हम चाहते हैं कि जितना भी हो सके एक हमारे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर शहर में हम एक आम जनता तक इसे लेके जाएं और एक ब्लड ग्रुप जो आपका ब्लड ग्रुप हॉरोस्कोप होता है कि हर बंदे को पता होना चाहिए, हर उनके परिवार वालों को कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो हम चाहते हैं कि हर सबके पास अपना एक कार्ड हो, एक ब्लड ग्रुप का कार्ड हो, और जिससे आप कभी किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो आज जो आपके आसपास के लोग होंगे उनको आपको बचाने में कोई खास दिक्कत ना हो। फाउंडेशन के जो आपका शुभ आस्था फाउंडेशन है इसके द्वारा और कहाँ कहाँ पे कैंप लगाने वाले, क्या क्या करने वाले हैं, कितने लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, इससे किससे बात करें? देखिए ऐसा है कि हमने आज सबसे पहले श्री गणेश किया है मुंबई से, और हमने आज सबसे पहले श्री गणेश किया है मुंबई से, और हम चाहेंगे कि इसे हमारे देश के हर कोने कोने में, हर शहर में हम इसे लेके जाएं, हर गांव में लेके जाएं, और ताकि ये एक जो एक ऐसी चीज़ है जो हम चाहेंगे कि हर इंसान तक इसकी जो जितना भी हम सबके लिए एक जैसे एक सेवा भाव से कर सकें। ओके, जैसे एक आपका, जैसे मैं आपको बताया कि आपका एक जनरल ब्लड ग्रुप हर एक को पता होना चाहिए उसका, जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड होता है, हर इंसान के पास अपना एक आधार कार्ड होता है, वैसे हम समझते हैं कि आपको आपके पास अपना एक ब्लड ग्रुप कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे, लेकिन हम जहाँ से हमें लगा कि जो सबसे ज़रूरी है हमने उस चीज़ से पहले हमने शुरुआत की है। आप भले एक छोटी सी चीज़ से हम शुरू करें कि आपका एक यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट से लेके आप किसी को अगर अपने फिटनेस का शौक़ हो, आपका BMR आपको जानना हो, हमारे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ एजुकेशन ज़्यादा ना होने के कारण लोगों तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती, तो हम चाहते हैं कि वो सारी सुविधाएँ सब तक हम पहुँचा सकें। यस, सिंटा ने शुभ आस्था के साथ मिलकर ये जो कैंप लगाया है, इट इज़ वेरी गुड फॉर, वेरी बेनिफिशियल फॉर एक्टर्स, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में वैसे हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, तो आई होप सो कि दिस कैंप विल हेल्प अस टू कीप फिट और अपने आप को, और बेसिकली इट्स बेसिकली ऑन ब्लड, तो ब्लड से हमें हम क्या क्या चीज़ें अपनी ठीक रख सकते हैं वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। चेकअप इज बहुत डिटेलिंग है इसके अंदर, और उस डिटेलिंग से थ्रू माय ब्लड ग्रुप हाउ कैन आई क्योर myself, वो इसमें समझने को मिला है, और बहुत अच्छा लगा जान के कि ये सारी इतना डिटेलिंग में, एक ब्लड ग्रुप से हमें इतनी डिटेलिंग मिल सकती है, सो इट्स वेरी नाइस, थैंक यू। वेल, सबसे पहले शुभ आस्था फाउंडेशन जो है ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जिससे हमारे शुभ आस्था फाउंडेशन जो है ये बहुत अच्छा कदम उठाया जिससे हमारे एक्टर्स को और जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपना आदमी मतलब वर्किंग में ध्यान नहीं दे पाता है, तो उसके लिए ये एक अच्छा स्टेप है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये एवरी 3 मंथ होना चाहिए, इससे हम लोग को एक सीखने को मिलता है और अपने आप को मेंटेन करने का मौका मिलता है, अदरवाइज़ हम लोग वर्किंग टाइम पे 5-6 साल तो देख ही नहीं पाते, बाद में पता लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सुशांत सर ने जो किया है और ये एक हमारी सिंटा कंपनी ने और शुभ आस्था फाउंडेशन ने जो स्टेप उठाया है, ये हम लोगों के लिए, हमारी भलाई के लिए और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें टाइमली चेकअप कराना चाहिए, ब्लड ग्रुप और इन सब चीज़ों के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, और जब ये मालूमात रहेगी तो हम इसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कभी एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, हमें ब्लड ग्रुप ही नहीं मालूम होता है, पता लगा ब्लड ग्रुप क्या है, आदमी
डेथ भी कर जाता है। तो ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा है और ये कंपनी और ये शुभ आस्था फाउंडेशन जो ये काम कर रही है, मैं तो कहूँगा कि मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएँ और हम सब लोग हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी इसी तरीके से ये हम लोग को ओबलाइज करते रहें, हम भी लोग इनके साथ में हमेशा साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय हिंद। जी मेरी सिस्टर की ही ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टर का ही फाउंडेशन है ये, तो मैं बेसिकली उनके लिए आया हूँ और बहुत देर से ये एक नोबल कॉज कर रहे हैं बच्चों के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए और चैरिटी टुवर्ड्स चैरिटी एंड फाउंडेशन। शी इज़ डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और हमेशा आता रहूँगा। अभी मैंने चेकअप नहीं करवाया, तो आई होप जैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं सभी दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा और एवरीबडी इज़ थैंकिंग शुभ दी, तो अच्छा ही होगा आई होप। मैं अभी राइट नाउ कर रहा हूँ एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, कॉमेडी वेब सीरीज़ है अपना टिल्लू, जिसमें मेरा लीड कैरेक्टर है चंदू का, और जो टिल्लू बने हैं अपने दीपक वर्मा जी बने हैं, जो बॉडीगार्ड में भी थे, बैंग बैंग में थे, डिशुम में थे, और अभी कलर्स पे मेरा शो इनफैक्ट आज ही ऑन एयर होने वाला है, विच इज़ 29th ऑफ दिस मंथ एंड आज ही होने वाला है एक ऑन एयर। तो दीज आर द टू प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग राइट नाउ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आर्टिस्ट होने का, तो इस कैंप से जुड़े या एनजीओ से जुड़े लोगों को, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जी बेसिकली क्या है कि आजकल जो एनजीओस का काम हो गया, क्योंकि मैं क्वालिफिकेशन से एक एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ मैं, तो मैंने जितना देखा है, मैंने 2 साल प्रैक्टिस भी की है हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, तो बहुत सारी एनजीओस तो जो भी फंड्स आते हैं उनका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती है, और कर पाती भी नहीं है, करती भी नहीं है, चाहते ही नहीं है वो यूज़ करना। तो जो ये शुभ दी की फाउंडेशन है, शुभ आस्था फाउंडेशन, ये प्रॉपरली उस फंड्स को यूज़ करते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए, वेदर कोई भी कॉज हो आपका बच्चों को लेके। अभी मैंने एक इवेंट किया है, अभी आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एन इवेंट विच इज़ रैम्प द कॉज, जहाँ पे एक गरीब बच्चों के लिए या सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड बच्चों के लिए उनके टूवर्ड्स एक जागरूकता फैलाने का हमने ज़िम्मा उठाया था, तो विच वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बींग मैं अपने आप को स्टार तो नहीं कहूँगा, बट बींग टीवी से जुड़ा हुआ इंसान, तो उसके नाते जितना मैं लोगों को एक मैसेज दे पाऊँ कि आप अपना जो हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कीजिए, बच्चों की टुवर्ड्स, क्योंकि मैंने अभी एक किस्सा सुना, देखा मैंने खुद कि देर वॉज दिस चाइल्ड हु वॉज़ एक्चुअली हंग्री फ्रॉम पास्ट 3 डेज। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो दिल को कई बार बहुत पिंच करती हैं, तो वही है कि आप इसको जो आपको कोई भूखा दिखता है, कोई नीडी दिखता है, उसको प्लीज़ हेल्प कीजिए, उसको खाना दीजिए, उसको कपड़े दीजिए, और प्लीज़ कुछ अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू। सिंटा की मेंबर तो मैं 2009 से हूँ, इट्स बीन आई गेस 8 or 9 years, इट्स बीन 9 years मैं सिंटा की मेंबर हूँ, पर हाँ कैंप पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप कैंप के लिए आओ, कभी आप शूट कर रहे होते हैं, कभी आउट ऑफ टाउन होते हैं, कभी आप बिजी होते हैं, तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर अच्छा लग रहा है। या मैंने अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया, मुझे पहले से पता ही था, पर फिर भी कन्फर्मेशन के लिए मैंने करवाया है। देन मैंने अपना फुल बॉडी एनालिसिस करवाया है, अभी मैं डाइटिशियन जो है उनसे मिली हूँ, उसके बाद उनके सीनियर डाइटिशियन से उनसे मिलने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ मैंने ऑन स्क्रीन जो शोज़ किए हैं अभी तक, मैंने साथ निभाना साथिया किया है,
बालवीर किया है, तोता बैट्समैन किया है, जय जय बजरंग बली किया है, डीडी नेशनल के किए हैं, डीडी उर्दू के किए हैं, काश्मीर के कुछ टेली शॉपिंग एड्स किए हैं, मेरा साड्डा हक चल रहा था, देन मैंने एन टी वी का एक शो आता है वो किया है मैंने, वारिस वो किया है मैंने, भूतो किया है, तो बस यही सब शोज किए हैं मैंने। किस चीज़ के लिए? डोनेशन के लिए। देखिए, अगर आप किसी भी अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको कुछ भी डोनेट करना है, आपको कुछ अगर कुछ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो आपको आगे आना चाहिए। आप किसी तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, बाय उनका यू कैन प्रोवाइड फूड, यू कैन प्रोवाइड शेल्टर, आप उनको पे कर सकते हैं, यू कैन आई मीन गो फॉर एजुकेशन, किसी भी एजुकेशन को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं, और एनजीओज के थ्रू हेल्प करना इज़ वेरी गुड थिंग आई गेस। थैंक यू।